हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हरियाणा एंड बिहार, नेशनल पार्क इन हरियाणा एंड बिहार। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट हरियाणा। तो हरियाणा में मेनली क्या क्या नेशनल पार्क है। टू नेशनल पार्क हम देखते हैं हरियाणा में, एक है कालेश्वर नेशनल पार्क एंड दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक है कालेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट कालेश्वर नेशनल पार्क। कालेश्वर नेशनल पार्क एंड एडजेसेंट कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कालेश्वर जो नेशनल पार्क है एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दो मिलके एक साथ एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है, यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन इंडिया। तो कहां पे सिचुएटेड है ये, यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन इंडिया। तो कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कालेश्वर नेशनल पार्क, ये दो एक साथ मिलके यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है। ये चंडीगढ़ से 122 किमी दूर है। स्टैब्लिश्ड इन 2003 में ये स्टैब्लिश हुआ है। कालेश्वर नेशनल पार्क एंड कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर कॉन्टिजुअस टू सिंबलवेरा नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश एंड राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश हमने डिस्कस किया है अब तक। तो हिमाचल प्रदेश का जो सिंबलवेरा नेशनल पार्क है एंड उत्तराखंड हमने अभी भी डिस्कस नहीं किया है। उत्तराखंड का जो राजाजी नेशनल पार्क है, ये दो नेशनल पार्क के साथ, ये कालेश्वर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक साथ मिलके एक कंटिजुअस प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है। मतलब ये जो चारों जो प्रोटेक्टेड एरिया है, सब एक ही जगह पे एक के साथ एक मिलके बना है, कंटिन्यूअस है ये पूरा जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये। तो क्या क्या है इसके अंदर, एक है कालेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है सिंबलवेरा नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश एंड राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो यहां से और एक क्वेश्चन हो सकता है, कालेश्वर नेशनल पार्क के साथ कौन कौन से स्टेट का कौन कौन सा नेशनल पार्क एक साथ मिलके प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है, या फिर इसके साइड में सिचुएटेड है ऐसा कौन सा नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, कौन सा नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। जैसे करके सिंबलवेरा नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश एंड राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। पॉपुलर फॉर लियोपार्ड, पैंथर, एलिफेंट, रेड जंगल फॉल एंड बर्ड वॉचिंग। तो इन सबके लिए ये पॉपुलर है, लियोपार्ड, पैंथर, एलिफेंट, ये सब यहाँ पे मेनली कंजर्व होता है। दिस फॉरेस्टेड एरिया इन द शिवालिक फुटहिल, तो ये मेनली शिवालिक फुटहिल एरिया में सिचुएटेड है। इस कवर्ड प्राइमरीली विथ शाल, शिमुल, अमल्टास एंड बहेरा। तो ये सब टाइप ऑफ फ्लोरा ट्री स्पीसीज हम इस जगह पे देखते हैं, शिवालिक फुटहिल एरिया में ये फॉरेस्ट एरिया सिचुएटेड है। कालेश्वर नेशनल पार्क इज नेम्ड आफ्टर द कालेश्वर महादेव टेम्पल लोकेटेड इन द नेशनल पार्क। तो कालेश्वर जो महादेव टेम्पल है उसके नाम से ये नेशनल पार्क का नाम हुआ है। तो इसका नाम क्या कौन सी चीज से हुआ है, कालेश्वर जो महादेव टेम्पल है उसके नाम से इसका नाम हुआ है। इट इज बाउंडेड बाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज बाउंडेड बाई यमुना रिवर टू द ईस्ट। ईस्ट में क्या है, यमुना रिवर। राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड का है। एंड सिंबलवेरा नेशनल पार्क इन मेन शिवालिक हिल रेंज टू द नॉर्थ। एंड नॉर्थ में क्या है, सिंबलवेरा नेशनल पार्क ऑन हरियाणा बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश, मॉर्नी हिल एंड अग्रायन फार्म टू द वेस्ट। एंड वेस्ट में क्या है, वेस्ट में हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर है, मॉर्नी हिल एंड अग्रायन फार्म है वेस्ट में। तो ईस्टर्न साइड में क्या है इसका, यमुना रिवर। तो यहां से इंपॉर्टेंट जो रिवर यहाँ पे है वो क्या है, यमुना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है, राजाजी नेशनल पार्क। नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, सिंबलवेरा नेशनल पार्क। वेस्टर्न पार्ट में क्या है, मॉर्नी हिल एंड अग्रायन फार्म। एंड कौन से स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। द मेन शिवालिक रेंज सेपरेट स्टेट बाउंड्री अमंग हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल इन नॉर्थ। तो
ये जो शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज ही मेनली स्टेट का बाउंड्री है एमंग हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल, इन सबके बीच में शिवालिक रेंज है। तो इस पार्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, नाम आया है किस से एंड कौन कौन सा टाइप ऑफ ट्री स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, चारों तरफ जो बाउंडेड है कौन कौन सी चीज के द्वारा ये बॉर्डर्ड है, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, ये सब है यहाँ पे। रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है यमुना रिवर। फ्लोरा मेनली 53% डेंस फॉरेस्ट, तो डेंस फॉरेस्ट हम देखते हैं 53%, 38% ओपन फॉरेस्ट, 9% स्कार्फ एंड टोटल फॉरेस्ट कवर इज 71%। तो 71% हम टोटल फॉरेस्ट एरिया देखते हैं। द टॉल लीफ शाल ट्री कॉन्स्टिट्यूट द डेंस एज ओल्ड फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ द दून वैली। तो यहाँ पे हम शाल ट्री मेनली देखते हैं ट्री स्पीसीज के अंदर, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दून वैली में। अदर ट्री क्या क्या है, सिमुल, अमलतास, बहेरा, ओनली फॉरेस्ट इन हरियाणा विथ अ नेचुरल शाल ट्री बेल्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचुरली इस जगह पे शाल ट्री जो है वो होता है, दिस इज द ओनली फॉरेस्ट इन हरियाणा। तो फ्लोरा में इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लोरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शाल ट्री, ठीक है, इसका ही ज्यादातर इस जगह पे है। कोल्ही रायतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बीर सिखागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ओनली 3 किमी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ये दो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोनों के बीच में 3 किमी डिस्टेंस है एंड बोथ आर ऑल्सो ओनली फ्यू किमी अवे फ्रॉम द कालेश्वर नेशनल पार्क, जो शिवालिक रेंज में ही सिचुएटेड है। तो एक है कोल्ही रायतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है शिखागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो कालेश्वर नेशनल पार्क के बिल्कुल कुछ ही मतलब कुछ ही दूरी में ये सिचुएटेड है, जो ये भी शिवालिक रेंज का ही पार्ट है। तो ऑल थ्री सेंचुरी हैव सिमिलर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल दैट माइग्रेट फ्रॉम वन सेंचुरी टू अनदर। तो ये जो थ्री सेंचुरी है, एक है कालेश्वर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी एंड कोल्ही रायतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बीर शिखागर सेंचुरी, तो ये थ्री सेंचुरी में मेनली हम ऑलमोस्ट एक ही टाइप का जो वाइल्ड लाइफ देखते हैं, वाइल्ड एनिमल हम देखते हैं, तो वो एक दूसरे मतलब एक दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में माइग्रेट करके जाते रहते हैं, मतलब कभी ये सेंचुरी में कभी दूसरे सेंचुरी में जाते आते रहते हैं। एनिमल मेनली क्या है, यहाँ पे इंडियन लियोपार्ड, लियोपार्ड कैट, राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट, एशियाटिक एलिफेंट, चीतल, संबर, बार्किंग डियर, नीलगाय, कॉमन पाम सिवेट, इंडियन हेयर, ग्रे मोंगूस, इतने टाइप ऑफ एनिमल मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। तो कालेश्वर नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, कहाँ पे सिचुएटेड है कालेश्वर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक साथ मिलके ही है एक ही जगह पे, इनके चारों तरफ क्या क्या है, कौन कौन से स्टेट के नेशनल पार्क के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, मतलब कंटिन्यूअस है, हिमाचल प्रदेश का एक एंड उत्तराखंड का एक, एंड कौन सा रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, कौन से रेंज का ये पार्ट है मेनली, कौन से रेंज शिवालिक रेंज का पार्ट है, ये शिवालिक रेंज का पार्ट है, बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। फ्लोरा में इंपॉर्टेंट है शाल, जो नेचुरल शाल ट्री बेल्ट हम देखते हैं ओनली फॉरेस्ट इन हरियाणा ये, एंड कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके पास में सिचुएटेड है, कोल्ही रायतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड शिखागर, तो सभी में एनिमल मोर ऑर लेस सेम टाइप का है। अब मैप में देखते हैं, ये है हरियाणा का मैप, ये है कालेश्वर नेशनल पार्क, बिल्कुल बॉर्डर लाइन में सिचुएटेड है, इसके साइड में है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो हरियाणा में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है कालेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो कालेश्वर हमने डिस्कस कर दिया, अभी आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। सिचुएटेड इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। कालेश्वर नेशनल पार्क था यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट एंड ये है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। डिस्टेंस ऑफ द पार्क अराउंड 50 किमी फ्रॉम दिल्ली एंड 15 किमी फ्रॉम गुड़गांव। तो गुड़गांव से 15 किमी दूरी में ये सिचुएटेड है एंड दिल्ली से 50 किमी दूर ये सिचुएटेड है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज ए बार्ड पैराडाइज। सो यहाँ पे हम मेनली जो फौना देखते हैं वो है बार्ड पैराडाइज है ये। फेमस फॉर माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट
रेसिडेंशियल बर्ड, तो माइग्रेटरी बर्ड्स रेसिडेंशियल बर्ड सभी के लिए फेमस है। माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव्स इन द पार्क इन सेप्टेम्बर, बर्ड यूज द पार्क एज ए रेस्टिंग प्लेस टिल द फॉलोइंग मार्च अप्रैल। सेप्टेम्बर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं एंड मार्च अप्रैल तक यहाँ पे वो रहते हैं। एंड समर एंड मॉनसून मंथ द पार्क इज इनहेबिटेड बाई लोकल बर्ड स्पीसीज। तो मार्च अप्रैल के बाद से मई जून जुलाई अगस्त ये जो टाइम है, इस टाइम पे यहाँ पे मेनली रेसिडेंशियल जो बर्ड है, लोकल जो बर्ड है, वो मेनली इस जगह पे रहते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड का टाइमिंग क्या है, सितंबर से मार्च अप्रैल तक। तो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क मेनली बर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट है। रेसिडेंशियल बर्ड के अंदर क्या क्या है, कॉमन होपी, पैडीफील्ड पिपिट, पर्पल सनबर्ड, लिटिल कॉर्मोरेंट, कॉमन स्पॉइन बिल, इंडियन स्पॉट बिल, डार्क ब्लैक हेडेड आइबिस, लिटिल एग्रेट, रेड कॉलर डव, लाफिंग डव, बैंक मायना, कॉमन मायना, ये सब है रेसिडेंशियल बर्ड जो लोकल बर्ड वहां पे रहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड के अंदर क्या क्या है जो विंटर में आते हैं माइग्रेटरी बर्ड, वो है साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ्ट, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, यूरेशियन टील, कॉमन ग्रीन शंख, स्पॉटेड सेंट पीपर। तो ये सब है विंटर में आते हैं। समर में एशियन क्वेल, ब्लैक क्राउन्ड नाइट हिरन, इंडियन गोल्डन ओरियोले, नॉब बिल्ड डक, ककूस, ब्लू टेल्ड बी ईटर, एनिमल के अंदर ही इंडियन फॉक्स एंड ब्लैक बक। तो इतने टाइप ऑफ जो बर्ड है वो यहाँ पे है, एंड एनिमल में इंडियन फॉक्स है एंड ब्लैक बक है। तो ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है मेनली इम्पोर्टेंट फॉर क्या, बर्ड। In April 1971, the Sultanpur Jhil inside the park was accorded sanctuary status under Section 8 of the Punjab Wildlife Preservation Act of 1959. तो सुल्तानपुर झील जो हुआ है inside the park in 1971, जो Punjab Wildlife Preservation Act के अनुसार है। The status of the park was upgraded to National Park कम 19 वाइल्डलाइफ एक्ट, ये 1972 होगा, 1972 इन जुलाई 1991, तो 1991 में ये पार्क एज ए नेशनल पार्क अपग्रेड हुआ है। एरिया कितना है, 142.52 हेक्टर है इसका एरिया। सुल्तानपुर इज नेम्ड आफ्टर चौहान राजपूत राजा सुल्तान सिंह, इसके नाम से ये सुल्तानपुर नाम हुआ है, जो राजपूत राजा है सुल्तान सिंह उसके नाम से। द रीजियन अराउंड सुल्तानपुर वॉज कॉल्ड धुंधोती। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर रीजियन जो है उसको लोकली हम क्या कहते हैं, धुंधोती। सुल्तानपुर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, दो तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस नेशनल पार्क से, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एंड कौन से एनिमल के लिए ये मेनली इंपॉर्टेंट है, बर्ड के लिए, एंड नाम किससे आया है इसका, राजा सुल्तान सिंह चौहान इसके नाम से, एंड सुल्तानपुर रीजियन इसको हम क्या कहते हैं, धुंधोती ये कहते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है, जो सुल्तानपुर लेक झील हमने कहा ये है सुल्तानपुर जो लेक है ये, एंड ये है नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल पार्क इन बिहार। तो नेशनल पार्क बिहार में मेनली हम एक ही नेशनल पार्क देखते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क इज ए टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इंडिया। तो बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है एज ए टाइगर रिजर्व उस जगह पे सिचुएटेड है। ओनली नेशनल पार्क इन बिहार, बिहार का एक एंड ओनली नेशनल पार्क क्या है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कवर 898.45 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज द 17.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसका एरिया क्या है, ये जो टाइगर रिजर्व है इसका 898.45 स्क्वायर किलोमीटर, एंड टोटल जो एरिया है इसका 17.4% है ये। एज ऑफ 2018 देयर वॉज 40 टाइगर इन द रिजर्व। तो 2018 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 टाइगर था इस रिजर्व में। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो एक्सटेंसिव फॉरेस्ट एरिया ऑफ वाल्मीकि नगर वॉज प्रीवियसली ओन्ड बाई ए बेतिया राज एंड रामानगर राज। तो इस ये जो बेतिया राज है, रामानगर राज है, ये ही इसका ओनर था पहले। डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1978 में
ये एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1990। वाल्मीकि नेशनल पार्क कब बनाया गया था? 1990 में। टोटल एरिया कितना है? 335.65 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है इसका। एंड वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज द 18th टाइगर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क दो मिलके ये पूरा टाइगर रिजर्व है जो है 18th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। लोकेटेड इन चंपारण हमने कहा, विच ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम टू वर्ड चंपा एंड अरण्य मीनिंग फॉरेस्ट ऑफ चंपा ट्रीज इन द नॉर्थ। तो चंपा ट्री का फॉरेस्ट ही मेनली इसका नाम है जिसके नाम से ये चंपारण नाम आए हैं। द प्रोटेक्टेड एरिया कवर्ड बाई नेपाल्स चितवन नेशनल पार्क व्हाइल द इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश बाउंड द सेंचुरी फ्रॉम वेस्टर्न साइड। तो एक है जो ये प्रोटेक्टेड एरिया है कवर्ड बाय क्या? नेपाल चितवन नेशनल पार्क। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल का कौन से नेशनल पार्क के द्वारा ये प्रोटेक्टेड एरिया कवर्ड है? चितवन नेशनल पार्क। एंड जो इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश है वो इस सेंचुरी के वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। तो कौन से स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? उत्तर प्रदेश के साथ। एंड कौन सा नेशनल पार्क का एरिया है ये? नेपाल चितवन नेशनल पार्क। ठीक है, जियोग्राफी अगर देखा जाए तो लैंडस्केप ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क एनकम्पासेस फुटहिल ऑफ द शिवालिक हिल विद अ मोजाइक ऑफ क्लिफ रिज जॉर्ज हिल स्ट्रीम एंड वैलीज। तो यहाँ पे मेनली हम जो फुटहिल एरिया है वाल्मीकि नेशनल पार्क का वही एरिया है मेनली ये। तो इस एरिया में क्लिफ रिज जॉर्ज ये सब हम देखते हैं, वैलीज ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 18th टाइगर रिजर्व है ये, कब ये एस्टैब्लिश हुआ था एज ए नेशनल पार्क, टोटल एरिया कितना है, कौन से स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है वो है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के साथ, एंड कौन से कंट्री के जो नेशनल पार्क है उसका एरिया कवर करता है नेपाल का, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। यहां से नेक्स्ट देखते हैं, सिचुएटेड इन गैंजेटिक प्लेन बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ द कंट्री। तो शिवालिक के फुट हिल एरिया में सिचुएटेड है एंड जो है गैंजेटिक प्लेन एरिया मेनली इस जगह पे ये सिचुएटेड है। कॉम्बिनेशन ऑफ भावर एंड तेराई ट्रैक्ट हम यहाँ पे देखते हैं, भावर एंड तेराई टाइप ऑफ एरिया हम यहाँ पे देखते हैं। सोमेश्वर हिल रेंज एंड दून हिल सिस्टम विथ नाइफ एज रिज एंड प्रेसिपिटस स्लोप क्लिफ स्पार्स जॉर्ज नैरो वैली ये सब हम इस जगह पे देखते हैं। दून हिल सिस्टम समेसर हिल रेंज ये सब इस जगह पे हम देखते हैं। तो यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? भावर है, कौन से एरिया में सिचुएटेड है? भावर एंड तेराई ये एरिया। कौन सा हिल रेंज हम यहाँ पे देखते हैं? समेश्वर हिल रेंज, दून वैली। ठीक है, एंड स्लोप वगैरह ये सब तो यहाँ पे है ही। सॉइल कैसा है? ओल्डर एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल हम यहाँ पे देखते हैं विथ सैंडी सॉइल। लैटेराइटिक फॉर्मेशन और हार्ड कंटूर एंड न्यूअर एलुवियम ऑन साधन पार्ट। तो जो हार्ड पार्ट है वहां पे हम मेनली लैटेराइट टाइप ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं एंड साधन पार्ट में लोअर पार्ट में हम न्यूअर एलुवियम टाइप ऑफ जो है लैंड हम देखते हैं क्योंकि ये गैंजेटिक एरिया में सिचुएटेड है तो एलुवियल लैंड इस जगह पे है। रिवर गंडक फ्रॉम द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हैं, कौन सा रिवर? गंडक रिवर, ये एक इंपॉर्टेंट है, गंडक रिवर जाते हैं। इट एंटर्स इन इंडिया एट वाल्मीकि नगर वेयर टू रिव्यूलेट सोनहा एंड पचनाथ ज्वाइन इट। तो ये वाल्मीकि नगर से इंडिया में आए है एंड इसके साथ दो रिवर ज्वाइन किया है सोनहा एंड पचनाथ फॉर्मिंग अ होली कन्फ्लुएंस त्रिवेणी द रिवर कॉल्ड नारायणी इन नेपाल। तो ये रिवर जो है ये नारायणी नाम से जाना जाता है कहां पे? नेपाल में। एंड ये वेस्टर्न बाउंड्री से इनके वेस्टर्न पार्ट से ये रिवर जा रहा है गंडक रिवर जो वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके वेस्टर्न पार्ट से एंड वाल्मीकि नगर से ये इंडिया में आए हैं उसके साथ सोनहा एंड पचनाथ ये दो जो रिव्यूलेट है ये ज्वाइन किया है ज्वाइन करके एक कॉन्फ्लुएंस बनाया है त्रिवेणी करके। ठीक है, तो यह से इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है गंडक एंड जो रिवर नेपाल में कौन से नाम से जाना जाता है? नारायणी। हर हा मासन रिवर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द वाल्मीकि फॉरेस्ट एंड फॉर्म बूढ़ी गंडक रिवर डाउन साउथ। तो और भी रिवर है जैसे हर हा
मासन रिवर, ये सब वाल्मीकि फॉरेस्ट से ही इसका ओरिजिन हुआ है। एंड बूढ़ी गंडक रिवर नाम से ये साउथ में गया है। ठीक है, रिवर पांडाई फ्लोस इनटू बिहार फ्रॉम नेपाल इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द सेंचुरी एंड मीट मासन। रिवर पांडाई और एक है जो नेपाल से बिहार में आके फ्लो किया है एंड इसका ईस्टर्न जो एंड है वो सेंचुरी में आया है एंड यहाँ पे जो मासन रिवर है उसके साथ वो मीट किया है। तो रिवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा रिवर मेनली हमने यहाँ पे देखा, एक गंडक उनके साथ जब ये इंडिया में आए हैं वाल्मीकि नगर में उसके साथ ज्वाइन किया है सोनहा एंड पांचनाथ मिलके एक त्रिवेणी बनाया है जो नेपाल में जिसका नाम क्या है नारायणी है नेपाल में इसका नेम। एंड उसके साथ पांडाई एक रिवर वो भी है जो इंपॉर्टेंट, पांडाई रिवर फ्लोस इनटू बिहार फ्रॉम नेपाल एंड ये आके मासन रिवर के साथ मीट किया है। ठीक है, तो रिवर ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है जैसे रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। फौना क्या क्या हम देखते हैं, मैमल्स टाइप ऑफ फौना है बंगाल टाइगर, इंडियन राइनोसेरस, एशियाटिक एलिफेंट, एशियाटिक ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, ऑटर, लियोपार्ड, वाटर बफेलो, ब्लू बुल, लैंगूर, मंकी, फ्लाइंग स्क्विरल, क्लाउडेड लियोपार्ड, ये सब फौना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पाइथन, किंग कोबरा, क्रेथ, बैंडेड क्रेथ, डोमुहा स्नेक, घड़ियाल, मॉनिटर लिजर्ड, ये सब रेप्टाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स में कालिज पिजेंट, थ्री टॉयट क्वेल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ग्रीन विलो वावलर, ट्री पिपिट, ग्रीन बार्बेट, एमरल्ड ड्राफ, पर्पल वुड पिजियन, ये सब बर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो फौना में मैमल्स टाइप ऑफ फौना, रेप्टाइल टाइप ऑफ फौना, बर्ड्स सभी यहाँ पे है। फ्लोरा में क्या है, यहाँ पे हमने कहा भावर एरिया हम देखते हैं, तेराई एरिया हम देखते हैं। तो भावर एरिया में मेनली दून साल फॉरेस्ट जो इंपॉर्टेंट है भावर एरिया में होता है, ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट विद गैंजेटिक मॉइस्ट मिक्स डेक्सिडुअस फॉरेस्ट, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो मेन जो ट्री है साल एंड मॉइस्ट मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। खेर, सीसो फॉरेस्ट, केन ब्रेक, ईस्टर्न वेट, एलोवियल ग्रासलैंड, ये सब है। सेवन वेजिटेशन टाइप हम यहाँ पे देखते हैं विद इन द लिमिट ऑफ द सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क, मॉइस्ट मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओपन लैंड वेजिटेशन, सब माउंटेन सेमी एवरग्रीन फॉर्मेशन, फ्रेश वाटर स्वैम्प, रिपरियन फ्रिंज, एलोवियल ग्रासलैंड एंड हाई हिल सवाना, वेटलैंड, इतने टाइप ऑफ वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो फ्लोरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप ऑफ वेजिटेशन है मेनली सेवन टाइप ऑफ, वो क्या क्या है, मॉइस्ट मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओपन लैंड वेजिटेशन, सब माउंटेन सेमी एवरग्रीन फॉर्मेशन, फ्रेश वाटर स्वैम्प, रिपरियन फ्रिंज, एलोवियल ग्रासलैंड एंड हाई हिल सवाना, वेटलैंड, इतने सारे टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे है। तो वेजिटेशन का कवरेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ट्री के अंदर क्या है, हमने पहले ही कहा साल यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्री है, और क्या क्या है, कारम, आसन, बहेरा, असी, सिमूल, सतसल, ये सब इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ आइसोलेटेड पैच ऑफ चीर पाइन फॉरेस्ट, ये पे एक पाइन फॉरेस्ट भी हम देखते हैं जिसको लोकली हम धूप कहते हैं, फाउंड इन रागिया फॉरेस्ट ब्लॉक विच इज यूनिक। तो एक पाइन फॉरेस्ट भी हम यहाँ पे देखते हैं जिसको हम लोकली कहते हैं क्या, धूप। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, रागिया फॉरेस्ट में जो हम मेनली देखते हैं, ये एक यूनिक फीचर है जो यहाँ पे मिलता है। मेडिसिनल प्लांट के अंदर क्या है, सतावर, साटेड मूसली, दूध कोरिया, अमला, ये सब मेडिसिनल जो प्लांट है वो भी हम इस नेशनल पार्क के अंदर देखते हैं। तो ये वाल्मीकि नगर जो नेशनल पार्क है यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार का ओनली नेशनल पार्क ही ये, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ये एज ए टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था, एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर गया था, प्रीवियस टाइम पे ये किसका कौन इसका ओनर था, इस एरिया का एरिया कितना है, एंड लोकेशन में अगर आप देखोगे कौन से स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, कौन से कंट्री का नेशनल पार्क का पार्ट है ये कवर करता है नेपाल का, एंड जियोग्राफी के अंदर रिवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो लैंड एरिया है वो मेनली कैसा है, भावर एंड तेराई जोन में मेनली ये जो नेशनल पार्क है ये है, यहाँ पे जो हिल रेंज है सोमेश्वर हिल रेंज, दून वैली वगैरह ये सब है, सॉइल कैसा है, इसके
रिवर है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। गंडक रिवर जो वेस्टर्न बाउंड्री से जा रहा है, किस किस के साथ मिलके क्या बनाया है, नेपाल में इसका नाम क्या है, ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शाल मेनली एंड 7 टाइप ऑफ वेजिटेशन हम इस जगह पे देखते हैं, तो फ्लोरा इस जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक जो है पाइन फॉरेस्ट जो जिसको हम लोकली धूप कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर देखा जाए तो वाल्मीकि नेशनल पार्क इस जगह पे सिचुएटेड है बिहार के। उसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो लाइट ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डीप ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये है नेशनल पार्क। तो दो एक साथ मिलके ही यहाँ पे सिचुएटेड है, हमने पहले ही कहा। अगर इंडिया के मैप में आप देखोगे तो वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है इस जगह पे सिचुएटेड है, एंड इसके इस साइड में है नेपाल, नेपाल के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साथ ये एरिया कवर करता है। तो ये है पूरा नेशनल पार्क ऑफ बिहार एंड हरियाणा। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है, हरियाणा में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो क्या क्या है, कालेश्वर एंड सुल्तानपुर, एंड बिहार में है क्या, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ बिहार एंड हरियाणा आज हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आ गया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसके साथ साथ आप टॉपिक भी कमेंट करके बताएं कि इसके बाद आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू जियोग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।